कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की विधानसभा में इस बार कौन होगा काबिज, ये सवाल है। क्योंकि चुनावी साल है इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मध्य प्रदेश में चुनावी रंग में रंगा नजर आ रहा है। कल विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर धार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी समुदाय के लिए कई घोषणाएं कर दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आदिवासी दिवस कार्यक्रम पर धार में बिल्कुल आदिवासी रंग में दिखे। सिर पर पगड़ी पहने शिवराज पारंपरिक डांस करते नजर आए। पूरा अमला उनके साथ डांस कर रहा था। दरअसल चुनावी साल में शिवराज आदिवासी वोटरों को रिझाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने यहां कई घोषणाएं भी कर डाली। आदिवासियों के खिलाफ छोटे केस वापस लेने का ऐलान किया। आदिवासी महिलाओं को प्रसूति सहायता योजना में 16,000 रुपए देने का ऐलान किया। 2022 तक हर आदिवासी को मकान का वादा किया। लेकिन इस बार शिवराज के लिए मुश्किलें भी कम नहीं हैं। जय आदिवासी युवा संगठन सरकार के खिलाफ अलग अलग जगहों पर कार्यक्रम कर रहा है, जहां आदिवासी युवाओं की भारी भीड़ पहुंच रही है। संगठन के नेता हीरालाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर आदिवासियों को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा है, किसानों को खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, और आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा स्वास्थ्य की जो बदतर सेवाएं हैं, इसके संबंध में इन्होंने कभी भी विधानसभा और लोकसभा में आवाज नहीं उठाई है। मध्य प्रदेश विधानसभा में 47 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 2013 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 में से 32 सीटों पर जीत मिली थी। एमपी में करीब 21% मतदाता आदिवासी समाज से आते हैं। जेएस जैसे संगठन के उदय के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में एक नया समीकरण बनता दिख रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा। कैमरा पर्सन फिरोज खान के साथ अजय दुबे, एबीपी न्यूज धार। तो एक तरफ आप देख रहे हैं शिवराज सिंह चौहान आदिवासियों के साथ डांस कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया मंदसौर में किसानों को लुभाने के लिए ट्रैक्टर चला रहे हैं। तस्वीरें देखिए। देखिए चुनावी मौसम है इसलिए जनता को लुभाने का कोई मौका नेता छोड़ना नहीं चाहते, और ट्रैक्टर पर भी हाथ आजमाया जा रहा है। मंदसौर की ये तस्वीरें ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रैक्टर चलाते हुए। ये है ABP News, आपको रखे आगे।